एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ये उसका पहला लेक्चर है. ओके, सो इस परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जिसमें हम ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में जो कि हमको सबसे पहला टॉपिक है पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन, कि ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन क्या होता है. उसके बाद उसकी कुछ लॉसेस, एफिशिएंसी, रेगुलेशन है ना, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. ओके, विथ उसके कुछ न्यूमेरिकल. उसके बाद इफेक्ट ऑन लोड पावर फैक्टर ऑन परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन परफॉर्मेंस. उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में. ओके, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जिसके अलग अलग मेथड्स हैं, इन कंडेंसर, नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई विद वेक्टर डायग्राम, उसका फेजर डायग्राम के साथ. और साथ ही साथ इसमें और हमको डिस्कस करना है टू पोर्ट एंड एबीसीडी पैरामीटर्स के बारे में. ओके, तो सबसे पहले जो कि हम आज स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन है ना. तो देखिए, ये हमको क्लियर है कि ट्रांसमिशन लाइन में तीन पैरामीटर्स होते हैं. क्या क्या, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा है पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में. ठीक है, क्या क्या होते हैं भाई, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जो कि पूरी लेंथ में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना. अब अगर हमको परफॉर्मेंस चेक करनी है, ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस चेक करनी, परफॉर्मेंस मतलब क्या, आपका रिजल्ट है ना, आप कैसा रिजल्ट लेके आ रहे हैं. तो रिजल्ट जब आप कैलकुलेट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एफिशिएंसी क्या है ना, आप कैसे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी एफिशिएंसी से पता चलता है. सेकंड, ट्रांसमिशन लाइन में दूसरी बात होती है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन. ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी जो होती है वो ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस के बारे में बताती है ना. और ये दोनों चीजें जो कि हम फाइंड आउट करते हैं, लाइन लॉस और वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आर, एल और सी पैरामीटर्स में, वहां से कैलकुलेट होता है मेरा लाइन एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन. ओके, सो सबसे पहले हम अगर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्लासिफिकेशन तीन तरीके का है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग. इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है कई बार कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है अप टू 80 किलोमीटर या 50 माइल्स है ना, और जो वोल्टेज होगा उसमें वो 11 to 33 केवी. और याद रखना है हमेशा, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पैरामीटर को ही लिया जाएगा, कैपेसिटेंस क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. उसी तरह मीडियम के बारे में लिखा हुआ है 80 to 160 किलोमीटर, एंड लॉन्ग के बारे में क्या लिखा हुआ है, अबव 160 किलोमीटर है ना. और ये दोनों में ही हमको क्या लेना पड़ता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. खैर, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्या, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. तो अभी हमको सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बारे में जानना है. ओके, तो ये इसके कुछ टूल्स हैं जो कि हमको आगे काम करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ना. तो यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है, व्हेन अ ट्रांसमिशन लाइन इज कैरिंग करंट देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप है ना. अगर कोई भी लाइन करंट को कैरी करती है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा. क्यों, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उसका रिएक्टेंस प्रेजेंट है, जो कि वोल्टेज को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा. आगे क्या लिखा, द रिजल्ट इज दैट रिसीविंग इन वोल्टेज वी आर इज जनरली लेस देन सेंडिंग एंड वोल्टेज है ना. तो रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा भैया मेरा, वी एस माइनस वी आर, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज. ओके, अब अगर इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, वोल्टेज रेगुलेशन, वी एस माइनस वी आर बाई वी आर मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, नेक्स्ट अगर हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो क्या भैया बोलिए, आउटपुट बाई इनपुट, ये तो हमको क्लियर है आउटपुट बाई इनपुट होता है. तो क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाई सेंडिंग एंड पावर है ना, आपने कितना रिसीव किया और कितना सेंड किया, यही तो है ना मेरा एफिशिएंसी. तो रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाय सेंडिंग एंड पावर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो रिसीविंग एंड पावर, आगे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि रिसीविंग एंड पावर जो है वो क्या है, वी आर आई आर, मतलब आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, दैट मीन्स वी आर आई आर कॉस फाई आर. ठीक है,
उसी तरह क्या होगा, वी एस आई एस कॉस फाई एस, है ना। तो अगर हम सेंडिंग एंड पावर देखते हैं, तो सेंडिंग एंड पावर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस। तो रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉस करेंगे और ऊपर में क्या रखेंगे भाई, सिर्फ रिसीविंग एंड पावर, तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। याद रहेगा यह है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसको अच्छे से नोट डाउन करें क्योंकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सारे हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है वो है टू पोर्ट नेटवर्क। ये हमने नेटवर्क थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नेटवर्क थ्योरी में टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे बस जान लीजिए कि टू पोर्ट क्या है, क्या होता है भाई टू पोर्ट नेटवर्क। एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसका कुछ इनपुट है, कुछ उसका आउटपुट है। तो इनपुट पोर्ट जो यहाँ पे शो किया गया है वो पी और क्यू है, पी क्यू, और आउटपुट पोर्ट क्या है मेरा, आर एंड एस। तो पी क्यू में क्या है भैया, सप्लाई इन वोल्टेज, जहां से हम, जैसे कि हम एक जनरेटिंग स्टेशन से पावर को भेज रहे हैं कहां तक, सब स्टेशन तक। तो जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर भेज रहे हैं वहां का वोल्टेज क्या है, वी एस, क्योंकि वहां उसको क्या बोलते हैं, सेंडिंग एंड, उसको पावर को हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और सेंडिंग एंड करंट क्या होगी, आई एस। उसी तरह जब पावर रिसीव होता है तो क्या हो जाएगा, वी आर एंड आई आर। तो आउटपुट पोर्ट क्या हो गया भैया, आर एस, और इनपुट पोर्ट क्या हो गया, पी क्यू। ओके, याद रहेगा। तो उसी तरह जब लूप चलाएंगे तो भाई दो तरह की लूप है, अगर वी एस चला रहे तो वी एस इज टू ए वी आर और बी आई आर, ये दो रिलेशन आते हैं, याद रखना है। तो जो एबीसीडी पैरामीटर्स हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स मतलब क्या, या तो दो पोर्ट है भाई, एक इनपुट एक आउटपुट, या चार टर्मिनल, टू पोर्ट सर्किट या फोर टर्मिनल सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, एबीसीडी पैरामीटर। तो भैया ये कुछ नहीं है, एबीसीडी पैरामीटर एक जनरलाइज सर्किट कॉन्स्टेंट है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन को भी हम टू पोर्ट नेटवर्क में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और क्या हेल्प करता है भाई, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ईजी कर देता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये रिलेशन हमने देखा हुआ है सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बारे में, सेंडिंग एंड, ठीक है। एक है क्या, वी एस इज टू ए वी आर प्लस बी आई आर, इसको याद रखिए, वी एस इज टू ए वी आर प्लस पी आई आर, और आई एस इज टू सी वी आर प्लस डी आई आर, है ना। यह है रिलेशन किसके किसके बीच में, रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड के बीच में, है ना। ये दो रिलेशन याद रखने हैं, क्या क्या है, वी एस है मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसी तरह आई आर क्या है और आई एस क्या है, है ना। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखिए क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर को सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे, और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, अब इसके दो अलग अलग केसेस हमको देखने हैं, सॉरी। अब देखिए, जो पहला केस होगा, पहला केस क्या बोला जा रहा है कि जब रिसीविंग एंड क्या है मेरा, ओपन सर्किटेड है, क्या है, रिसीविंग एंड को जो हमने क्या कर दिया है, ओपन सर्किट कर दिया, दैट मींस करंट वहां नहीं जाएगी, मतलब आईआर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या था मेरा, वी एस इज टू ए वी आर प्लस बी आई आर, तो आई आर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एस इज टू ए वी आर, है ना। वी एस इज टू, यहां से देखिए, वी एस इज टू ए वी आर, वन सेकंड गाइस, तो यहां देख लीजिए, वी एस इज टू क्या हो जाएगा भैया, सॉरी, वी एस इज टू ए वी आर, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस बाई वी आर, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो पैरामीटर ए को क्या बोलेंगे, इज एज द रेशियो ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज टू द ओपन सर्किट रिसीविंग एंड वोल्टेज, है ना। सिंस डायमेंशन वाइज ए इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू वोल्टेज, सो ए इज अ डायमेंशन लेस पैरामीटर, याद रहेगा। उसी तरह सेम, अगर सॉरी, आई आर को अगर हम क्या करते हैं, कहां पे पुट कर रहे हैं, आई आर को अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, आई आर को अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या था, आई एस इज टू सी वी आर डी आई आर, तो क्या हो जाएगा, डी आई आर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो आई एस इज टू सी वी आर, तो सी इज टू आई एस बाई वी आर। अब ये क्या क्वांटिटी है भाई, कौन सी क्वांटिटी है, याद रखिए, बताइए क्या है, ये कंडक्टेंस है, आई बाई वी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो पैरामीटर सी
क्या होगा, पैरामीटर सी एज द रेशियो ऑफ सेंडिंग एंड करंट टू द ओपन सर्किट रिसीविंग एंड वोल्टेज व्हेन आईआर इज इक्वल टू जीरो. साइंस डायमेंशन वाइज सी इज द रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज, सो इट्स यूनिट इज महो. ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और कंडक्टेंस की यूनिट महो. सो ओपन सर्किट कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, तो C is equals to IS by VR. उसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या B पैरामीटर, तो B पैरामीटर और D पैरामीटर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट करना होगा. तो रिसीविंग एंड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, दैट पॉइंट पे VR equals to zero हो जाएगा. ठीक है, अब उसी तरह VR को दोनों इक्वेशन में एक एक करके पुट करेंगे. तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, बोलिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक, फिर से वाला टर्म वो लिख दीजिए, तो यहां पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वी आर को पुट किया तो क्या हो गया, पहला टर्म जीरो, तो वी एस इज टू बी आई आर. उसी तरह जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, सी वी आर है तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो आई एस इज टू डी आई आर, याद रहेगा. तो देख लीजिए यहां पे, है ना, तो जो बी क्या आ गया, वी एस बाई आई आर. उसी तरह यहां पे डी क्या आ जाएगा, आई एस बाई आई आर. क्लियर है, ठीक है. तो बी पैरामीटर को क्या बोलेंगे, इज एज द रेशियो ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज टू द शॉर्ट सर्किट रिसीविंग एंड करंट, है ना. तो वी बाई आई क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस होता है, और यूनिट क्या रहेगी, ओम. उसी तरह जब डी पैरामीटर निकालेंगे तो ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ठीक है, डायमेंशन लेस पैरामीटर, तो डी क्या होगा, डायमेंशन लेस पैरामीटर. तो अब ये हमेशा याद रखना है, फॉर एबीसीडी पैरामीटर ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए ए इक्वल टू डी होता है. यहाँ पे पूरा एक साथ दिया गया है आपके लिए, ठीक है, कि ए क्या होगा वी एस बाई बी आर, बी क्या होगा वी एस बाई आई आर, सी क्या होगा आई एस बाई वी आर, डी क्या होगा आई एस बाई आई आर, और कौन सी चीजें क्या है उसकी स्पेसिफिकेशन विद यूनिट. इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से इस टेबल को बना ले, है ना. अब देखिए लास्ट, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है. अब देखिए जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, मान लीजिए एक इनकमिंग लाइन है ये, और एक क्या हो जाएगी, आउटगोइंग लाइन है, है ना, इनकमिंग और दूसरी, सॉरी, और ये आउटगोइंग. ठीक है, तो उसका अपना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होगा, दूसरे वाले का भी अपना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होगा. अब क्योंकि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस जो है वो लम्प्ड होता है, तो हमने R1 और X1 और R2 और X2 को क्या मान लिया है, सिर्फ R और X. तो यहां पे बकायदा लिखा गया है कि R क्या है, लूप रेजिस्टेंस है. इसके बारे में मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था किसमें, पैरामीटर में, लेक्चर वन में आप देख सकते हैं लूप रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. तो R is equals to क्या हो जाएगा, 2R1. उसी तरह X is equals to क्या हो जाएगा, 2X1. वो क्या है, लूप रिएक्टेंस है. अब देखिए क्योंकि यहां पे कैपेसिटेंस नहीं लिया जाता, ठीक है, पहले ही बोल दिया गया है कि कैपेसिटेंस पैरामीटर जो है वो नहीं लिया जाएगा. तो जब यहां पे अगर कोई शंट कैपेसिटेंस है ही नहीं, यहां पे कैपेसिटेंस की ब्रांच है नहीं, है ना, तो IS is equals to जितना हम सेंड करेंगे करंट उतना ही क्या होगा, रिसीव होगा. अब अगर इस लूप, यहां पे एक लूप चला दिया जाए, तो लूप में, लूप जब चलाएंगे तो लूप की इक्वेशन क्या आएगी, VS equals to VR plus IRZ. IRZ का मतलब क्या, IR multiplied by how much, R plus X. IR multiplied by R plus X लिख सकते हैं. तो हमको दो इक्वेशन मिल गई भाई, VS equals to VR IRZ और IS equals to IR. अब अगर इस दोनों इक्वेशन को ये ABCD पैरामीटर वाले इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, तो VS क्या है, सेम है अपनी जगह पे, VR के आगे क्या लगा हुआ है, A, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 1, है ना. उसी तरह IRZ लिखा हुआ है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z, ओके, ठीक. फिर IS is equals to IR, इसको जब नीचे वाले से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, IS is equals to IR है, तो सिर्फ IR वाला टर्म है, VR वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है. अब दो रिलेशन थी जो कि सेटिस्फाइड होनी चाहिए, AD minus BC is equals to 1, तो A की वैल्यू क्या है, 1, D की वैल्यू 1, और B की वैल्यू
जेड और सी की वैल्यू 0, तो AD माइनस BC इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? AD का वैल्यू 1 और BC का वैल्यू 0, दैट विल बी इक्वल टू 1, और A इक्वल टू D तो है ही, है ना? तो ये हो गया ABCD पैरामीटर फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दो ही चीजें हैं, एक तो वोल्टेज रेगुलेशन है और दूसरा था मेरा जो हमने यहाँ पे देखा था क्या, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में जानना है, लेकिन इन दोनों चीजों के बारे में जानने के लिए हमको सबसे पहले तो इसका फेजर डायग्राम क्लियर होना चाहिए, है ना? तो फेजर डायग्राम क्लियर करने के लिए भाई थोड़ा ध्यान देना होगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करते हैं तो ये कितनी है, 80 किलोमीटर, कितनी 80 किलोमीटर, और 11 and 33 kV के लिए क्या होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है। और चौथा तीसरी बात क्या है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है, कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक। तो अब इन सारे टर्म्स को सबसे पहले देख लेते हैं और इस सर्किट को देख लेते हैं सबसे पहले, फेजर डायग्राम बनाने के पहले क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे भाई। एक है मेरा रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है इंडक्टेंस, है ना? ये मेरी क्या है, जहां से हम पावर को भेज रहे हैं, ये क्या है जहां से हम पावर को रिसीव कर रहे हैं, लोड है ना, पावर किस में जाएगा, फाइनली लोड में ही जाएगा ना। तो जहां पे पावर जाता है, जहां पे पावर कंज्यूम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसीविंग एंड। असेंडिंग एंड मतलब क्या, जहां पे पावर जनरेट होता है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, आर है और एक्स है, सेंडिंग एंड में भेज रहे हैं इसलिए आई एस सेंडिंग एंड करंट, और रिसीव कर रहे हैं मतलब आई आर, क्लियर रहेगा आई आर। सो वी एस, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो गया वी एस, और रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो गया वी आर, क्लियर रहेगा ये, है ना? उसी तरह क्योंकि ये एसी है तो इसका क्या होगा भाई, फेज वोल्टेज रिसीविंग एंड, ठीक। तो फेज एंगल क्या होगा, रिसीविंग एंड का फेज एंगल फाई आर और सेंडिंग एंड का फेज एंगल फाई एस, याद रहना चाहिए, है ना? आर और एस का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए कैसे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब दो चीजें हैं इसमें, इसका फेजर डायग्राम दो तरीके से बनता है, ठीक। और हमेशा याद रखना है कि जो भी फेजर डायग्राम होगा उसमें जो लोड लिया जाएगा वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर का होगा। क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर का होगा, मतलब कि जो करंट है वो क्या करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी, कितना फाई आर एंगल, कितना फाई आर एंगल। तो अगर पहला जो ये जो इसका नॉर्मल डायग्राम है, अगर पहला डायग्राम हम देखते हैं, है ना, पहला डायग्राम अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, जो कि यहां पे दिखाया गया है, ठीक। तो पहला डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये क्या है भाई, क्या है वी आर, है ना, क्या है वी आर, और क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है मतलब ये क्या करेगा, जो करंट है उसको क्या करेगा, लैग करेगा, कितना फाई आर डिग्री, कितना लैग करेगा फाई आर डिग्री। अब देखिए, अब ये पावर सॉरी या करंट किस में एंटर कर रहा है, आर रेजिस्टेंस में, तो वहां पे क्या करेगा, लॉस करेगा, क्या पावर का लॉस करेगा। तो अब देखिए वी आर और आई आर, ये दो चीजें हैं ना, है कि नहीं है, दो चीजें हैं। तो आई आर लॉस क्या होगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, इसी का लॉस होगा ना, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर का ही तो लॉस होगा ना। तो इधर में क्या है वी आर, तो जो लॉस होगा वो भी आई आर के साथ क्या होगा, फेज में होगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आई आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो आई आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्योंकि इंडक्टेंस है तो इसको क्या करेगा, लीड करेगा, कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आई आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक। अब अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई जेड, ओके। और ये पूरे का समेशन, पूरे का समेशन क्या दे देगा आपको,
वी एस, क्लियर है, है ना। तो ये दो तरीके हैं जो कि हमको जानने हैं। तो अब क्या किया गया है, इसी को इजी कैलकुलेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए इस तरीके से बनाया गया है, है ना। तो जैसे कि पहले वाले डायग्राम में हमने क्या किया था, वी आर यहां पे लिया और आई आर यहां पे लिया, है ना। तो हम ये ना लेकर के अब क्या करेंगे कि इसी को हल्का सा घुमा दिए, ठीक। सबसे पहले क्या ले लिया, आई आर ले लिया, ठीक, और उसके बाद क्या ले लिया, क्या ले लिया भाई, वी आर ले लिया, है ना, क्या ले लिया, वी आर, और उसका फेज एंगल क्या हो गया, फाई आर, ठीक, क्योंकि रिसीविंग एंड की बात चल रही है। अब देखो, जब करंट रेजिस्टेंस में एंटर करेगी तो क्या होगा, लॉस आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर का वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमेशा इसके साथ क्या रहेगा, फेज में रहेगा। उसी तरह जब वो इंडक्टेंस में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, आई आर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्लियर है, है ना। तो ये वाला जो एंगल बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, आई आर जेड, क्योंकि यहां पे आर है और क्या है, जे एक्स है, जो कि क्या होगा, जेड के इक्वल होगा, है ना। अब जब इसका पूरा समेशन करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, वी एस, क्लियर है, क्या बन जाएगा, वी एस। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, बनाना है भैया, है ना, ठीक, क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक। चल अब देखो, तो यहां पे हमने समझ लिया कि इससे क्या क्या हो रहा है। अब देखो, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ सी डी, ध्यान से देखिए, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ सी डी, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा भैया, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, है ना, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ओ डी अगर देखेंगे तो ओ डी क्या है भैया, ओ ई प्लस ई डी के इक्वल है, ओ ई प्लस ई डी के इक्वल है, यहां पे ओ ई प्लस, देख लो, ओ ई प्लस ई डी के इक्वल है। उसी तरह यहां देखते हैं ये डी सी, तो डी बी प्लस बी सी के इक्वल है, है ना, डी बी प्लस, ठीक से देख लो, डी बी प्लस बी सी के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यूज वहां पे हम पुट करेंगे। तो ओ सी क्या है भैया मेरा, वी एस। अगर हम सेंडिंग एंड वोल्टेज निकाल लेंगे तो हमने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था, वी एस माइनस वी आर बाई वी आर, है ना, वी एस माइनस वी आर बाई वी आर। तो वी एस की वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं, तो वी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ऑलरेडी सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताइए, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब हमने क्या किया भाई, अब देखो ओ ई की वैल्यू क्या है, ओ से ई की वैल्यू क्या है। अब क्योंकि ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, वी आर है, क्लियर है ना, ये क्या है, वी आर है, ठीक। तो अब ये वी आर दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा, एक कॉस फाई आर और एक साइन फाई आर। तो इधर क्या आएगा भैया, कॉस फाई आर, इधर आएगा क्या, साइन फाई आर, क्लियर है। तो मेरा जो ओ ई, ओ से ई तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या, वी आर कॉस फाई आर, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि पूरा ओ डी निकालना है। तो यहां देखो, जो आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर है वही सेम डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ई डी है, तो ई डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, सिंपल सी बात है, है ना। तो उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे डी बी प्लस बी सी। तो डी बी में क्या है भाई, जो यहां पे वी आर कॉस फाई आर लिया था, तो अब क्या ले लेंगे, वी आर साइन फाई आर ले सकते हैं ना, ये इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, ये इसका ये वाला कॉम्पोनेंट, तो वी आर साइन फाई आर वहां पे पुट कर सकते हैं, वी आर साइन फाई आर हमने पुट कर दिया, और क्या हो गया, प्लस आई आर एक्स, है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू यही दोनों मिलके बना रहे हैं ना, क्या मेरा डी से सी, वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमको मिलेगा ना डी सी, डी सी इज इक्वल टू क्या है, डी बी प्लस बी सी। तो वी एस स्क्वायर, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ओके, ठीक से, ठीक है, इसको एक बार ठीक से अपने कॉपी पे करिए, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, सेंडिंग एंड फेस
ठीक है, तो सेंडिंग एंड का जो फेज का एंगल है, सेंडिंग एंड फेज एंगल, उसको किससे डिनोट करते हैं, फाई एस से। तो फाई एस क्या होगा, टेन इनवर्स डीसी बाई ओडी। ठीक से ध्यान से देखो, डीसी बाई ओडी, तो डीसी बाई ओडी में डीसी और ओडी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो डीसी की वैल्यू क्या है भाई, वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्स। उसी तरह ओडी की वैल्यू क्या है, वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर आर। पुट कर दीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। उसी तरह सेंडिंग एंड पावर फैक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई एस, कॉस फाई एस मतलब ओडी बाई ओसी। तो ओडी क्या होगा भाई, आई आर एक्स प्लस वी आर क्या, यहां पे थोड़ा गलत हुआ है, ओडी हो जाए, सॉरी सही है, ओडी क्या हो जाएगा, आई आर आर प्लस वी आर कॉस फाई आर, और ओसी क्या हो जाएगा, वी एस। तो यहां से आपको सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर मिल जाएगा, है ना। अब अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन तो हमारा इतना आ ही गया है जो फेजर डायग्राम हमने बनाया है उससे, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन में वी एस यहाँ पे अच्छे से पुट कर दीजिए, माइनस वी आर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई वी आर कर दीजिए, ओके। अब अगर इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वही फेजर डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ला करके इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो यहां पे ध्यान से देखो, जो Vs की वैल्यू है ना, किसकी, Vs, ठीक, Vs माइनस Vr ही तो करना है ना हमको। तो जो Vs की वैल्यू है वो क्या है, ये है ना, ये किसके इक्वल होगी, अगर ये लाइन की इक्वल होगी, तो अगर इस लाइन की वैल्यू हम निकाल पाए तो Vs की वैल्यू निकाल पाएंगे इजिली, उतनी मेहनत तो नहीं करनी होगी, ठीक है। तो अगर इस लाइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, ये लाइन तो यहां पे खत्म हो जा रही है, तो इसको हल्का सा और आगे बढ़ा दो, कहां तक, ये ए है, ये जी है, ये एच है, इसको हल्का सा और आगे बढ़ा दिया। तो अब ध्यान दो यहां पे, ये जो वैल्यू थी क्या थी, आई आर आर, और ये वैल्यू क्या थी, आई आर एक्स, इतना तो क्लियर है, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, आई आर जेड, है ना। तो अब आई आर आर का अगर हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक, आई आर आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, हमको तो इसी चीज इसी डिस्टेंस की जरूरत है, और एक इस डिस्टेंस की जरूरत है, और ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है क्या है, वी आर है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आई आर का दो कंपोनेंट बनेगा, ठीक, यहां देखो, एक बनेगा क्या, यहाँ पे आई आर आर साइन फाई आर, और एक बनेगा क्या, आई आर आर कॉस फाई आर। उसी तरह आई एक्स का दो कंपोनेंट बनेगा, ठीक, और यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगाई गई है भाई, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, जो ये फाई आर होगा, यहाँ पे भी फाई आर होगा, और ये भी फाई आर होगा, ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये तीनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब देख लो ध्यान से, उसी तरह अगर आई आर एक्स का कॉम्पोनेंट निकालते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, आई आर एक्स कॉस फाई आर, और यहां नीचे में आई आर एक्स साइन फाई आर, ठीक है, दो कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है यहां से यहां तक, है ना। तो पहली डिस्टेंस क्या है, वी आर है, दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आई आर आर कॉस फाई आर, और तीसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आई आर एक्स साइन फाई आर, इतना क्लियर है। तो तीनों को हम यहां पे क्या कर देंगे, Vs की जगह पे पुट कर देंगे, Vr प्लस Ir r cos phi r प्लस Ir x sin phi r माइनस Vr, क्योंकि Vs माइनस Vr है, कॉमन सी बात है ना। तो Vr से Vr क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Ir r cos phi r प्लस Ir x sin phi r डिवाइडेड बाई Vr मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्या क्या, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, जो कि पहले स्लाइड में डिस्कस किया गया था कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस अगर हमको पता रहेगा तो हम क्या क्या कैलकुलेट क्या पता कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वही वोल्टेज ड्रॉप क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा जानेंगे। थैंक यू।